हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। इससे पहले मैं बस दिखाने वाली हूँ कि मेरा हेयर फॉल कितना होता है, कैसे होता है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैम आप अपने बालों को जैसे सुबह कॉम करते हो तो उसको वीडियो में कॉम कीजिए और देखना है कि आपका हेयर फॉल कितना होता है और आप कॉम्बिंग कैसे करते हो। तो मैं इस तरीके से ज़्यादातर हाई बन बनाकर रखती हूँ। जैसा कि अगर आप मेरे को पहले से जानते हो तो पता होगा कि मैं ज़्यादातर हाई बन बनाना पसंद करती हूँ। जो कल मैंने हेयर सीरम लगाया था उसकी वजह से मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हैं। मैं रात को सोई थी, उसके बाद मैं हाई बन बना के ही सोती हूँ। बालों को लेकिन लूज रख के सोना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो ओपन करके सोइए। बहुत प्यारा सा शाइनिंग सा है एंड बिल्कुल भी बाल ड्राई नहीं लग रहे हैं। तो ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ कि हेयर फॉल का क्या हाल है। सब कुछ आपके सामने करने वाली हूँ कॉम पे। तो मेरे रबड़ बैंड में आप देख सकते हो एक या दो बाल आया है। आई होप कि क्लियर दिख रहा हो। ये देखिए दिख रहा है गाइस, एक दो बाल है इसमें। ओके, अब कॉम करूँगी और फिर दिखाती हूँ आपको कितना हेयर फॉल हुआ है और कौन सा सीरम मैंने कल बताया था। वो आप मेरे वीडियो में जाके चेक कर लीजिए। कल के वीडियो में, कल का जो वीडियो अपलोड किया था बहुत ही सुंदर सा है, जैसे हाई बन कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो डाला था। और ये सीरम बिल्कुल भी बालों को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये देखिए, आप हेयर वॉश करते टाइम कुछ गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके ऊपर भी वीडियो ला दूँगी कि हेयर देखिए मैं बालों को अच्छे से काम करने हैं। 3 या 4 हेयर मेरे निकले हैं तो ये नेचुरल है। इतना हेयर फॉल आपका होता है तो घबराने की बात नहीं है, इतना तो निकलेगा ही। वैसे भी हाई बन बना के काम करके मैं हाई बन बना के सो जाती हूँ, फिर सुबह काम करती हूँ तो आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा जी। तो मेरा इतना ही हेयर फॉल होता है डियर। जिन्होंने भी पूछा था उनको जवाब मिल गया होगा कि कितना हेयर फॉल होता है। मैं सुबह नहा के सब कुछ करने के बाद फिर अपने बालों को अभी कॉम कर रही हूँ। 2-3 बाल और निकल गए बट नेचुरल 10 से 12 बाल तक अगर आपके डेली टूटते हैं तो कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा टूटता है तो दिक्कत की बात है। बाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो रखे हैं कल जो मैंने सीरम अप्लाई किया था उसकी वजह से। तो आपको ये दिख रहा है बालों का लेंथ, ये कटिंग भी मैंने खुद से ही किया अपने बालों की। वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप देखिए मेरा हेयर स्टाइल वगैरह का वीडियो। तो सीरम अच्छा है, स्ट्रिक्स का ब्लू वाला सीरम जिसके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी एंड ड्राई रहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। अरोमा प्रोडक्ट का ग्लो बहुत अच्छा लगता है तो ये मैंने मंगाया। क्लिनजिंग मिल्क 1/2 kg का है, 500 ग्राम का। तो इसको देखिए मैं इसको ओपन करती हूँ। इसको ओपन करने के लिए आप सीजर ले सकते हो बट मैं इसकी फोल्डिंग जो है वो इस तरीके से उतार रही हूँ। पैकेजिंग फ्लिपकार्ट वाले बहुत ज़बरदस्त करते हैं, ओपन करने में भी दिक्कत होता है। तो ये क्या आया है मुझे फ्लिपकार्ट में, देखिए इतना बड़ा क्लिनजिंग मिल्क का पैकेज है। जस्ट ऐसे पैक करके उन्होंने दिया था इसमें और यहाँ पे लिखा हुआ है अरोमा क्लिनजिंग मिल्क रिमूव इन पैचेस एंड एलोवेरा एंड लेमन ग्रास की, जो कि आपकी स्किन टोन को भी फेयर करेगा, फ्रेश फीलिंग देगा। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने इतना बड़ा मंगाया, आप चाहो तो थोड़ा छोटा भी ले सकते हो। ये 259 का है, ऑफर में था तो मुझे 184 का मिला है। आप भी इसको मैं इसका जो प्रोडक्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड ऐड प्रोडक्ट पे भी क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो। तो आप जरूर खरीदिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल बनाते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था हाई बन बनाने का सही तरीका क्या है। हाई बन तो सभी बनाते हैं लेकिन हाई बन बनाते टाइम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, गलतियाँ करते हैं वो बताया है। तो प्लीज़ जाके चेकअप कर लीजिएगा। और ये बहुत अच्छा क्लिनजिंग मिल्क है। इसके प्रोडक्ट बहुत सारे, इस प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किए हैं। मसाज क्रीम भी मंगाया है, स्क्रब मंगाया है, पैक मंगाया है एंड क्लिनजिंग मिल्क की कमी थी वो भी मंगा लिया है। आप एक बार मंगा लोगे तो काफ़ी टाइम तक ये चलेगा। खुद के लिए मंगाना है तो थोड़ा छोटा मंगा लीजिएगा, बट मेरा पार्लर है जैसे कि आप लोग को पता है, तो पार्लर में थोड़ा सा बड़ा मंगाती हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा चले मेरा इसलिए। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। आज का जो हेयर स्टाइल है